Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 10th of February 2020. और discussion शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ questions हैं. So first question is, consider the following statements regarding the development of judiciary system in India. पहला statement है आपके लिए, the Supreme Court and the Sadar Adalats were merged into three High Courts of Calcutta, Bombay and Madras in 1865. Second statement है, the Government of India Act 1935 provided for a federal court which could settle disputes between governments. Which of the statements given above is oblique are correct? A, one only, B, two only, C, both one and two, या फिर D, neither one nor two. Second question is, consider the following statements regarding Government of India Act 1919. और पहला statement है, the Indian Legislative Council at the center was replaced by a bicameral system consisting of a Council of State. Second statement is, the Act separated for the first time the provincial and the central budgets. Third statement is, diarchy in the provinces was abolished and provinces were given autonomy. Which of the statements given above is oblique are correct? Your options are A, 1 and 2 only, B, 2 only, C, 3 only, D, 1, 2 and 3. Third question is, consider the following statements. In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was the Swatantra Party. Second statement is, the Bharatiya Jan Sangh was formed in 1951 with Deen Dayal Upadhyay as its founder president. Third statement hai, Congress won a majority of seats in all the states including Travancore, Cochin, Madras and Odisha in the first general elections. Select the correct answer using the code given below. Your options are A, 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 only ya fir D, none. To aap log in tino questions ke answer kariyega comment section mein and hum log apna news discussion shuru karte hain aur jinko bhi answers agar na pata ho तो आपको क्या करना है, वीडियो के एंड पर जाना है, वहां पर इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दिए गए हैं. तो यहां पर शुरू करने से पहले हम पहले एक तरह का एक समरी देख लेते हैं कि हम लोग आज किन-किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर में जो सरकार की एक पहल है कि इन्वेस्टर्स को बुलाया जाए उसके बारे में बात करेंगे. दूसरा टॉपिक आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज कोरोना वायरस. एंड कोरोना वायरस आई नो बहुत दिनों से रिपीट हो रहा है बट फिर भी उसके बारे में डेली ही न्यूज और अपडेट्स आ रहे हैं तो वी विल डिस्कस इट. थर्ड थिंग दैट वी विल डिस्कस टुडे इज डार्क नेट. आज हम लोग डार्क नेट के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है एंड इसको काउंटर करने के लिए जो दुनिया भर में एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है ऑपरेशन ट्रांस उसके बारे में बात करेंगे. देन वी विल सी वन विहार नेशनल पार्क. उसके बाद गुरु रविदास के बारे में बात करेंगे एंड इलाहाबाद का नाम जो प्रयागराज किया गया और फैजाबाद का अयोध्या. उसके बाद अभी दो तीन जिलों का नाम और बदलने की बात चल रही है तो इसके बारे में बात करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट राइट टू प्रोटेस्ट अंडर चैलेंज एंड आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फिर डीआरडीओ एंड इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे. आफ्टर दैट वी विल टॉक इन द एडिटोरियल सेक्शन बोडो पीस पैक्ट. आज का जो लीड आर्टिकल है रिफ्यूजी लॉ के ऊपर है कि भारत में उसकी जरूरत क्यों है तो उसके बारे में बात करेंगे. देन इन द सेकेंड आर्टिकल वी विल टॉक अबाउट विक्टिम्स जस्टिस की विक्टिम्स को कैसे न्याय नहीं मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट चीताज. और ऑपेड पेज पे आज जो आर्टिकल आया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल. अबॉर्शन को लेकर के जो लॉ आ रहा है उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए उसके बारे में बात होगी. इंडिया बांग्लादेश रेल लिंक के बारे में बात करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट वेस्ट बैंक. तो ये आपके लिए एक समरी है कि जो टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर. एंड यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स लेकर के आई है कि जम्मू कश्मीर में लोग इन्वेस्ट करें. तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये टॉपिक जो है वो हमारे लिए कहाँ काम आएगा. तो आपसे जम्मू कश्मीर के बारे में एक तो GS2 में पूछा जा सकता है, दूसरा GS3 में पूछा जा सकता है, तीसरा जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं उनसे भी हो सकता है पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में अगर मान लीजिए सिचुएशनल अवेयरनेस के तौर पर कि आप वहाँ पर DC हैं या फिर आपको वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं. तो ये जो गवर्नमेंट कर रही है यही सारे तरीके आप भी वहां पर बता सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या हाईलाइट किया है. गवर्नमेंट ने इस चीज को हाईलाइट किया है कि जम्मू कश्मीर में एयर क्वालिटी बढ़िया है और लो क्राइम रेट है. ठीक है, और तो इस कारण से इन्वेस्टर्स वहां पर आए तो वो अपना इन्वेस्ट करें. दूसरा उन्होंने बोला है कि IT कंपनीज जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगी
दे विल बी गिवेन इंसेंटिव्स एंड उनको एक परमिशन दी जाएगी कि दे कैन ऑपरेट इन थ्री शिफ्ट्स, ठीक है, दे कैन ऑपरेट इन थ्री शिफ्ट्स एंड वुमेन्स को भी वो लोग वहाँ पर एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोली है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि दो आईटी पार्क्स डेवलप किए जाएंगे, एक जम्मू में दूसरा श्रीनगर में, ठीक है। तो कहाँ पर डेवलप किए जाएंगे, एक जम्मू में डेवलप किया जाएगा और एक श्रीनगर में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। एंड एरिया कितना लिया गया है इसके लिए, 5 लाख स्क्वायर फीट। एंड इन एरियाज़ में, क्योंकि हम अभी सभी जानते हैं कि इंटरनेट जो है वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी दिनों तक बंद रहा था और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2G जो है वो वहाँ पर चालू किया गया है, तो अब गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो एरियाज़ होंगे, ये जो दो आईटी पार्क्स होंगे, यहाँ पर अनइंटरप्टेड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड वाईफाई एक्सेस विल बी प्रोवाइडेड। तो ये एक चीज़ की गई है। इसके अलावा यहाँ पर रियल इस्टेट्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो उनके पास सरकारी ज़मीन है उसको प्राइवेट डेवलपर्स को दिया जाएगा थ्रू आ ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है कि क्योंकि गवर्नमेंट के पास वहाँ पर काफ़ी लैंड है, सो दे विल प्रोवाइड इट टू द रियल इस्टेट डेवलपर्स। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अराउंड 20% ऑफ dwelling units विल बी गिवन फॉर इकोनॉमिकली weaker sections एंड लोअर इनकम ग्रुप्स। तो ये चीज़ें हैं जिसके जरिए जो है गवर्नमेंट वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है। बेसिक फोकस किन दो लोगों के ऊपर है, आईटी सेक्टर के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के ऊपर, दूसरा फोकस है रियल इस्टेट सेक्टर के ऊपर। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर जैनडीके वाली न्यूज़ से। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू नोवल कोरोना वायरस। एंड इस न्यूज़ में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि अभी तक चाइना में 811 लोगों की मौत हो चुकी है, 811 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ नोवल कोरोना वायरस। एंड बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर एक तरह से वर्चुअल दे आर लुकिंग डेजर्टेड, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एंड इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को बोला है कि अगर हमारी तरफ से आपको कोई मदद चाहिए, वी आर रेडी टू हेल्प यू। एंड इसके अलावा दूसरी चीज़, उन्होंने उनको थैंक्स भी किया है कि हमारे जो सिटीजन्स थे चाइना में वुहान में, उनको निकालने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट हैज़ अलाउड अस। तो ये दो चीज़ें हुई हैं जो इस न्यूज़ में हाईलाइट की गई हैं। हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो ये न्यूज़ तो नहीं पूछी जाएगी आपसे, आपसे पूछा जा सकता है कोरोना वायरस के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। कोरोना वायरसेस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कॉज इलनेस रेंजिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर सीवियर डिसीजेस सच एज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो कोरोना वायरसेस के कारण आपको सर्दी से लेकर के सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड SARS याद रखिएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके अलावा जो कोरोना वायरस के बारे में हमको ध्यान रखना है वो ये है कि कोरोना वायरसेस आर जूनॉटिक, ठीक है। जूनॉटिक का क्या मतलब है, कोरोना वायरसेस आर जूनॉटिक, जूनॉटिक का मतलब है कि दे आर ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल, ठीक है। तो जानवरों से इनका ट्रांसमिशन जो है वो इंसानों में हो सकता है, इस कारण से इसको जूनॉटिक बोला जाता है। एंड इसके जो नेचुरल कैरियर्स हैं अभी तक जो बोला है वो बैट्स को बताया गया। इसके अलावा बैट्स के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा, कल भी वो न्यूज़ में था कि बैट्स आर ऑल्सो द नेचुरल कैरियर ऑफ इबोला वायरस एंड नीपा वायरस। तो बैट्स से आपसे ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में हो सकता है पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो बैट्स उसके नेचुरल कैरियर्स नहीं है। तो बैट्स किसके किसके नेचुरल कैरियर्स हैं, इबोला वायरस, नीपा वायरस एंड नाउ दिस वन नोवल कोरोना वायरस। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं कोरोना वायरस के, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एंड ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, मेनली बाय कफिंग एंड स्नीजिंग, क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट सच एज टचिंग और शेकिंग हैंड्स, इसके अलावा टचिंग एन ऑब्जेक्ट और सरफेस विद द वायरस ऑन इट। तो जो वायरस का नेचुरल ट्रांसमिशन है जिस तरह से होता है उसी तरह से इसका भी ट्रांसमिशन है। तो ये हम लोग यहाँ से नोवल कोरोना वायरस और बैट्स के जरिए जो बीमारियाँ होती हैं, वायरसेस होते हैं, उनके बारे में यहाँ से ध्यान रखेंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 3, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू डार्क नेट। एंड इंडिया में पहली बार किसी को डार्क नेट के जरिए जो ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते थे उनको पकड़ा गया है, ठीक है। तो जिस इंसान को पकड़ा गया है उसकी फोटो आप लोग पेपर में देख सकते हैं, दीपू सिंह, ही इज़ अ सन ऑफ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड इसको लखनऊ से जो है वो पकड़ा गया है। एंड ये क्या करता था, डार्क नेट के जरिए जो नारकोटिक्स होते थे, जो ड्रग्स होते थे, उनको सेक्स स्टिमुलेशन मेडिसिन के तौर पर लोगों को प्रोवाइड कराता था। अब ये जो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इन्होंने ग्लोबली एक
मिशन ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन ट्रांस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑपरेशन ट्रांस। ऑपरेशन ट्रांस ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ट्रांस जो है वो किससे रिलेटेड है, ड्रग्स से रिलेटेड है। एंड इसके अंदर ही जो है उन्होंने गवर्नमेंट के साथ, बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इसको जो है वो पकड़ा है। तो ये तो हो गया यहाँ पर इसके बारे में। इसके अलावा आपसे प्रिलिम्स में जो है वो डार्क नेट के बारे में पूछा जा सकता है, एंड इवन मेंस में भी पूछा जा सकता है कि डार्क नेट जो है वो कितना बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज है। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डार्क नेट के बारे में। ये क्या होता है? This refers to the deep hidden internet platform that is used for narcotic sale, exchange of pornographic content and other illegal activities by using the secret alias of the onion router to stay away from the surveillance of law enforcement agencies. ठीक है, तो एक तरह से इंटरनेट का वो हिस्सा जहाँ पर ड्रग्स की सेल, पोर्नोग्राफिक कंटेंट या इसके अलावा जो अदर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो की जाती हैं, किसका यूज़ करके, ओनियन रूटर का यूज़ करके। ठीक है, तो किस रूटर का यूज़ किया जाता है डार्क नेट के अंदर? ओनियन रूटर का यूज़ करके जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया जाता है, एंड इसके ज़रिए जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं पकड़ पाती हैं, तो इस चीज़ का ये गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर डार्क नेट के बारे में। एंड एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है इसमें, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि यहाँ पर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको रोका जा सके। तो ये ध्यान रखेंगे बेसिकली हम लोग डार्क नेट के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 5, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू वन विहार नेशनल पार्क। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या नया नया शुरू कर रहे हो, तो उन लोगों को एक डर ये रहता है कि यार नेशनल पार्क्स 89 है, नेशनल सेंचुरीज जो है वो 400 से ज़्यादा हैं, वो सबकी सब कैसे याद रहेंगी। तो आपको यहाँ पर हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है। आपको ऑप्शन में हमेशा वो नेशनल पार्क्स दिए जाएंगे, एक ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि यार नहीं ये यहाँ का नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ नेशनल पार्क्स याद रखने, बाकी गेस वर्क और स्मार्ट वर्क के जरिए आपको एलिमिनेट करना है। तो जो न्यूज़ में नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहते हैं उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो एक वन नेशनल पार्क दे रखा है दैट इज वन विहार नेशनल पार्क। अब वन विहार नेशनल पार्क कहां है? भोपाल में है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, वन विहार नेशनल पार्क कहां है? भोपाल के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू संत रविदास, एंड बीएसपी चीफ सुश्री मायावती जी की फोटो आपको दिख रही होगी। उन्होंने ये कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो भदोही जिले का नाम जो है वो बदल करके संत रविदास नगर कर देंगे। ठीक है, और इसके पहले जो है अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि नाम बदलने का काफ़ी वहाँ ट्रेंड चल रहा है इस समय, तो बस्ती जिले का नाम जो है वो बदल करके बोला जा रहा है कि महर्षि वशिष्ठ के नाम पर रखा जाएगा। अब महर्षि वशिष्ठ कौन थे? हिंदू परंपराओं के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, महर्षि वशिष्ठ जो है वो भगवान राम और उन लक्ष्मण जी के गुरु थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ के बारे में, और बस्ती जिले का नाम जो है वो बदल करके वशिष्ठी नगर या ऐसा कुछ रखने की बात अभी चल रही है। ठीक है, तो यहां पर इस न्यूज को हाईलाइट किया गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना ये यूजफुल डिसीजन होता है, क्योंकि अभी नाम बदलेंगे, सारे रिकॉर्ड से बदलना पड़ेगा, तो जैसे बस्ती में ही 1 करोड़ का खर्चा इसके ऊपर आने वाला है। तो शुड गवर्नमेंट गो फॉर अ नेम चेंज, उनको नाम बदलना चाहिए, क्या सरकारों का यही काम है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम लोग थोड़ा सा रविदास के बारे में देख लेते हैं कि कौन थे। तो रविदास, ही वॉज एन इंडियन मिस्टिक पोएट, सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट ड्यूरिंग द 15th to 16th century। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रविदास जो है वो भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे, एंड इनको पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के इलाके में इनको गुरु के तौर पर बहुत सारे लोग पूछते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा रविदास के बारे में कि ही वॉज कॉबलर बाई कास्ट एंड ही वॉज द डिसाइपल ऑफ रामानंद। ठीक है, रामानंद के वो शिष्य थे, एंड इनकी जाति बताने का मतलब यहाँ पर यह है कि यूपीएससी में एक बार मैच द कॉलम करवाया गया था, क्योंकि मेडिवल टाइम पे जो सो कॉल्ड लो कास्ट से लोग होते थे उनको इस तरह की भक्ति मूवमेंट में शामिल नहीं होने दिया जाता था अमूमन, लेकिन कुछ ऐसे संत हुए जो सो कॉल्ड लो कास्ट से थे एंड उन्हें बहुत बड़े संत माने जाते हैं, चाहे वो कबीर हों जो जुलाहे थे या फिर रविदास हों हु वॉज अ कॉबलर बाई कास्ट, तो ये लिए यहाँ पर इसको मैंशन किया गया। अब हम लोग थोड़ा सा भक्ति मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। भक्ति का क्या मतलब होता है?
इट मीन्स मिस्टिकल डिवोशन टू वन गॉड. एंड भक्ति का जो ओरिजिन है दैट भक्ति इज मैंशनड इन द वेदास, लेकिन उस टाइम पर उसको इतना ज़्यादा भक्ति को एम्फेसाइज नहीं किया गया. इट बिकेम पॉपुलर विद द राइज ऑफ महायान बुद्धिज्म. महायान बुद्धिज्म के उदय के बाद ही भक्तिज्म जो है वो हिंदुज्म में भी आया. एंड इट बिकेम पॉपुलर इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द 7th to 12th century. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, आप लोग ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि भक्ति मूवमेंट जो है वो साउथ इंडिया से शुरू हुआ, ठीक है, फिर नॉर्थ इंडिया में आया. तो साउथ इंडिया में इट वाज ड्यूरिंग 7th to 12th century, एंड इन नॉर्थ इंडिया इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द 14th 15th century. एंड नॉर्थ इंडिया में जो इंपॉर्टेंट सेंट्स हुए हैं भक्ति के वो कौन थे? नामदेव, रामानंद, कबीर, रविदास, सेन, साधना एंड नानक देव. दे ऑल आर द इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स. एंड भक्ति मूवमेंट का जो इंडिया के कल्चर में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि जितने भी ये संत हुए उन्होंने उसी भाषा में प्रीच किया जो जहाँ के रीजन में वो रहते थे, ठीक है. तो इसलिए भक्ति मूवमेंट का ये कंट्रीब्यूशन जरूर याद रखिएगा कि इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस. एंड ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए सतीश चंद्रा से निकाली गई है, तो वहाँ पर अगर भक्ति मूवमेंट के ऊपर अब कोई क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में तो आप लोग उसको आंसर कर सकेंगे. तो ये हो गया हमारा यहां पर संत रविदास के बारे में और भक्ति मूवमेंट के बारे में. नाउ कम टू पेज नंबर सिक्स. एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर. तो यहाँ पर जो है वो न्यूज़ एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता दी जाए. वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है जगदीप धनकर जी, उन्होंने कहा है कि ट्रेडिशंस को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिकली गवर्नर का जो ऑफिस है वो हमेशा ही बड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल और न्यूज़ में रहता है. तो मेन्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गवर्नर शुड नॉट बी अ मियर रबर स्टैम्प कमेंट. अब यहाँ पर जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो यूजली हम लोग गवर्नर की ही गलतियां बताते रहते हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप आंसर लिखें तो उसमें यह भी बताएं कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी जानबूझ करके आजकल गवर्नर के साथ टसल में जा रही हैं, ठीक है. तो यह ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर इसका आंसर लिखते हो. तो आप लोग आज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज. एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज है डेट इज रिलेटेड टू मणिपुर. एंड मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है श्री एन बीरेन सिंह, उनका कहना यह है कि मणिपुर हैज डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, ठीक है. तो अब यहाँ पर हमसे GS1 में सोसाइटी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ड्रग्स मैनेज शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट थ्रेट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी कमेंट. तो आज आप लोग इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करिएगा कि ड्रग्स मैनेज शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट थ्रेट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है. तो ये हम लोग यहाँ से ये एक चीज. नाउ कम टू पेज नंबर 8. एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू राइट टू प्रोटेस्ट अंडर चैलेंज. एंड बेंगलोर पुलिस ने अभी जो है वो एक नया नियम लाया है कि जो लोग भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दे विल हैव टू साइन अ बॉन्ड ऑफ अप टू ₹10 lakh एज अ प्री कंडीशन फॉर परमिशन टू स्टेज प्रोटेस्ट, ठीक है. तो जो लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनको एक तरह की कंडीशन बोली है बेंगलुरु पुलिस ने कि आपको ₹10 lakh तक का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ताकि अगर आपका जो प्रोटेस्ट है, जो भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, वो अगर वायलेंट होता है और उसके कारण पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तो दे कैन क्लेम दैट मनी फ्रॉम यू. तो इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोगों ने बोला है कि एक जो फंडामेंटल राइट है टू राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, उसको ये चैलेंज करता है, क्योंकि अगर आप विरोध करने जाएंगे तो आपसे ₹10 lakh का बॉन्ड भरवाया जाएगा. मान लीजिए कि कोई दूसरी पार्टी वाले ही जानबूझ करके हिंसा करवा दें या तोड़फोड़ करवा दें, तो वहां पर बॉन्ड जो है वो आप ₹10 lakh का बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भर पाएंगे एक तरह से, ठीक है. तो इस तरह से जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव जो है वो जानबूझ करके प्रहार कर रहा है. तो इस चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया. अब आपसे जो है वो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं. यस, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, बट सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली सेड कि राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको यहीं पर फंसाया जा सकता है, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट बट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. अब जो यहाँ पर मेन जिसके कारण बोला जाता है कि यू कैन असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, वो किस आर्टिकल में मैंशनड है? आर्टिकल 19(1) में. अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिक याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स आर मैंशनड इन Part 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उनसे जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है? Article 12 to 35, ठीक है. इसके अलावा दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर. जस्टिसिएबल का मतलब फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट होते हैं यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. तो ये ध्यान रखिएगा.
एंड इसके अलावा जो आपके आर्टिकल 19(1) में और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा आपको दिया गया है टू असेंबल पीसेबली एंड विथाउट आर्म्स। थर्ड वन इज टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। फोर्थ वन इज टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिफ्थ वन इज टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड सेवेंथ वन इज टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये सारे राइट्स आपको आर्टिकल 19(1) के अंदर मिले हुए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज ऑन द सेम पेज, एंड दैट इज रिलेटेड टू DRDO। एंड DRDO के जो चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, उन्होंने कहा है कि हम जो टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, उसको प्रमोट करना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर में। एंड हमारी कोशिश रहेगी कि नियरली 70% जो है वो हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के जरिए जो भी डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं वो बने, एंड इसके जरिए इम्पोर्ट्स को जो है वो कम किया जाए। ठीक है, अब ये बात उन्होंने कहाँ पर बोली है, ही वॉज लॉन्चिंग द ई प्लूटो 7G व्हीकल बाई प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द प्रेमिसेस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए दो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला ये कि इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है या क्या करना चाहिए। दूसरा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के न्यूज है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रहे हैं एंड क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये आपसे GS3 में पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अभी जो फोकस एरिया है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वी के सारस्वत, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने का काम नीति आयोग भी कर रहा है। एंड जो वहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरीज लगती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग कि लिथियम माइंस जो हैं वो विदेशों में लीज पर ली जाएँ, ताकि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो सके। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने हाईलाइट किया। अब यहाँ पर DRDO के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि DRDO क्या है। सबसे पहले DRDO का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखेंगे हम लोग DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसके अंदर काम करता है ये, इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। एंड इसके अभी चेयरमैन कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। एंड कब बनाया गया था ये, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1958। तो DRDO कब बना था हमारा, 1958 में। एंड इसका एम क्या है, टू डिज़ाइन डेवलप एंड लीड टू प्रोडक्शन स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म्स एंड अलाइड इक्विपमेंट फॉर आवर डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज के लिए वेपन्स बनाना एंड बाकी जो हथियार बनाना वो। दूसरा काम है इसका, प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन टू द सर्विसेज टू ऑप्टिमाइज कॉम्बैट इफेक्टिवनेस एंड टू प्रोमोट वेलबींग ऑफ द पीपल। तो ऐसे सारे सोल्यूशन देना, जैसे कि हमारे सैनिक सियाचिन में रहते हैं तो वहाँ पर उनको किस तरह की ड्रेस प्रोवाइड कराई जाए, किस तरह का फूड प्रोवाइड कराया जाए, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताना। इसके अलावा तीसरा काम है इनका, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमिटेड क्वालिटी मैनपावर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बेस। तो ये मिशन जो है DRDO का आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये है यहां पर इससे रिलेटेड न्यूज। नाउ कम टू द एडिटोरियल पेज, एंड एडिटोरियल पेज पर जो हमारा सबसे पहला एडिटोरियल है, दैट इज रिलेटेड टू बोडो पीस पैक्ट। अभी जो जनवरी 27 को बोडो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको लेकर के पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। इसके पहले भी जो है वो कई बार प्रयास किया जा चुका है, इसीलिए जो एडिटोरियल है उसका टाइटल दिया गया है सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन। तो इससे पहले कब कब प्रयास किया गया है, बिफोर 2020 द अर्लियर इनिशिएटिव वॉज टेकन ऑन 1993 एंड 1993 और 2003 में जो है वो इनके साथ पीस एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उतनी ज़्यादा सफल नहीं हुई। लेकिन इस बार की उम्मीद है कि बहुत सफल रहेगी, क्योंकि एक तो जो बहुत सारे पहले ग्रुप्स नहीं आ रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, दे आर ऑल्सो टॉकिंग एंड मेनी ऑफ देम हैव सरेंडर्ड। इसके अलावा दूसरा जो वहाँ पर एक सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड थी कि एक सेपरेट बोडोलैंड बनाया जाए, उसको जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब वो जो डिमांड है वो नहीं रह गई है, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि 2020 का जो पीस डील साइन हुई है बोडोज के साथ, ये जो है वो सफल होगी। बोडोज के बारे में ध्यान रखिएगा कि दे आर द ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट, असम। असम के ये ट्राइब्स हैं। एंड अभी जो 2019 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें जो मेजर प्रोमिसेस हैं वो कौन कौन से हैं,
कि वहां पर जो उनका बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल था उसको अब नाम दिया जाएगा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। इसके अलावा 1500 करोड़ का डेवलपमेंट पैकेज दिया जाएगा एंड जो मिलिटेंट्स आए हैं जिन्होंने सरेंडर किया है दे विल बी गिवन अ लीनियंट ट्रीटमेंट। इसके अलावा जिन लोगों के परिवारों की हिंसा हुई अब उस हिंसा के कारण जान गई तो उन सभी को 5 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे उनके परिवारों को। ठीक है, अब आने वाले टाइम पर क्या चैलेंजेस हैं जो एडिटोरियल ने हाईलाइट किए हैं, एडिटोरियल ने इस चीज को हाईलाइट किया है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के जब चुनाव होंगे, क्योंकि वहां पर पहले से बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट जिन्होंने 2003 में एग्रीमेंट साइन किया था उनके लोगों का कब्जा है, अब जो नए लोग आए हैं वो लोग भी कंटेस्ट करेंगे तो उस कारण से नए पावर स्ट्रक्चर के कारण दिक्कत हो सकती है। एंड उन्होंने इस चीज को बोला है कि ये जो सक्सेस है इस प्रोजेक्ट की या इस एग्रीमेंट की वो इस चीज पर डिपेंड करेगी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में जो है वो किस तरह से इक्विटी या समानता की बात जो है वो की जाती है। तो ये चीज यहां पर हाईलाइट की गई है। नाउ कम टू द लीड आर्टिकल एंड आज का हमारा जो लीड आर्टिकल है डेट इज रिलेटेड टू नीड फॉर अ रिफ्यूजी लॉ। ठीक है, अब आप लोगों के जो एक प्रॉब्लम रहती है अमूमन जब यूपीएससी की तैयारी हम लोग कर रहे होते हैं तो ऐसे लिखने की तैयार ऐसे लिखना जो है वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो जब भी आप लोग लीड आर्टिकल्स पढ़ें तो जैसे यही लीड आर्टिकल से अगर आप सीखना चाहें तो आप ऐसे लिखना भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे दिया है, विवेकानंद की स्पीच के साथ दिया एंड फाइनली कंक्लूड भी उन्हीं की स्पीच के साथ किया है। तो एक ऐसे लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप लोग जिस जैसे किसी पर्सन की बात से शुरू करें फिर उसकी बात को एक्सपेंड करें एंड फाइनली उसी पर्सन को कोट करें या फिर मतलब उसी बात की कंक्लूजन के रूप पर दें तो आपका जो ऐसे है वो बड़ा कोहरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए इस एक आर्टिकल को भी एंड ऐसे लिखने को तरीके को भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल है हमारा वो क्या है, नीड फॉर अ रिफ्यूजी लॉ। भारत को एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफ्यूजी लॉ की ज़रूरत है, यही इस पूरे आर्टिकल का मेन आर्गुमेंट है। एंड ऑथर ने जो अपनी बात की शुरुआत है वो विवेकानंद के फेमस कोट से की है जो उन्होंने वर्ल्ड रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस में 1893 में बोला था। विवेकानंद ने कहा था कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन विच हैज शेल्टर्ड द परसिक्यूटेड एंड द रिफ्यूजीज ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड ऑल नेशंस ऑफ द अर्थ। तो विवेकानंद ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से आता हूं जिसने दुनिया भर में कहीं भी किसी को भी किसी प्रकार की प्रताड़ना दी जा रही हो उन सभी लोगों को शरण दी है, चाहे वो किसी भी धर्म के रहे हो चाहे वो किसी भी देश के रहे हो। अब ऑथर ने इस चीज को बोला है कि 127 साल बाद ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार जो है वो प्रताड़ित लोगों को शरण तो दे रही है लेकिन किस आधार पर, धर्म के आधार पर और देश के आधार पर। ठीक है, तो एक धर्म के लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया है एंड 3 देश के लोगों को शामिल किया गया। तो ऑथर ने इस चीज को बोला है कि यही सब ये इस तरह के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देखते हुए जरूरत है कि इंडिया जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमेन रिफ्यूजी लॉ लेकर के आए जहां पर कि सभी जो जो किसी भी तरह की प्रताड़ना दुनिया भर में झेल रहे हो उनको हम शरण दे सकें। ठीक है, अब यहां पर सबसे बड़ी चीज यह है कि इस चीज की जरूरत क्यों है, क्योंकि जैसे हमने अभी रोहिंग्यास के केस में देखा कि एग्जीक्यूटिव ने 7 लोगों को वापस भेज दिया म्यांमार के अंदर। अब म्यांमार की कंडीशन यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने कहा है कि देयर रोहिंग्यास आर परसिक्यूटेड एंड देयर इज अ जेनोसाइडल टेंडेंसी इन द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट की वहां टेंडेंसी है दैट इज जेनोसाइडल टुवर्ड्स रोहिंग्यास, तो ये वहां की कंडीशन है, उसके बावजूद भी इंडियन एग्जीक्यूटिव लोगों ने उनको वापस भेज दिया। इसी चीज को ऑथर ने हाईलाइट किया है। दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने ये बताई है कि अब यहाँ पर एक लॉ ना होने के कारण क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो डिसाइड करे कौन फॉरनर है और कौन रिफ्यूजीज है एंड ये जो इस तरह का डिस्क्रिशन है इसके कारण कई बार तो अच्छा होता है, अगर प्रधानमंत्री नेहरू जी टाइप के हों तो वहां पर फायदा होता है कि तिब्बतियन रिफ्यूजीज को जैसे शरण दे दिया उनको शरणार्थी का दर्जा मिल गया, लेकिन आजकल का जो माहौल है उसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो धर्म के आधार पर डिफ्रेंशिएट करता है, इसलिए जो है वो इंडिया को जरूरत है कि एक तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लेकर के आए ताकि जो है जो भी रिफ्यूजीज हैं उन सभी को यहां पर बराबर शरण मिल सके। तो इस चीज को ऑथर ने यहां पर हाईलाइट किया है। नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल एंड आज का हमारा जो दूसरा आर्टिकल है डेट इज रिलेटेड टू जस्टिस टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स। तो जो क्राइम के विक्टिम्स होते हैं उनको लेकर के यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है एंड यहाँ पर इस चीज़ को एम्फेसाइज किया गया है कि ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि स्टेट के परस्पेक्टिव से सोचा जाता है और जो विक्टिम्स के अधिकार हैं वो वहाँ पर कहीं ना कहीं दब जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रेखा मुरारका वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये रिसेंट रूलिंग दी
है कि प्राइवेट काउंसिल कैन नॉट ओरली एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस। तो जैसे मान लीजिए कि आपका मर्डर केस है, वहां पर अगर आप प्राइवेट काउंसिल या अपना खुद का वकील खड़ा करना चाहें तो वहां पर उन्होंने ये बोला है कि वो उन गवाहों को जो है वो एग्जामिन या क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता है। ऑथर्स का कहना यह है कि एक तरह से जो विक्टिम जस्टिस है या जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उसको और न्याय मिल सके उसके खिलाफ है, ठीक है। तो इस चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया। इससे पहले जो है वो 154th लॉ कमीशन ने 1996 में भी बोला था कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इट शुड मूव टुवर्ड्स अ विक्टिम सेंट्रिक नोशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो जिसके ऊपर कुछ अपराध हुआ है या जिसके ऊपर कुछ जुल्म हुआ है उसको भी अपना बात रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना प्रोसिक्यूटर खड़ा करती है, एंड हम लोग बहुत सारे केसेस में जानते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस तरह से, क्योंकि उनके ऊपर भी वर्कलोड होता है, तो उस तरह का काम नहीं कर पाते हैं, उस तरह से उस केस को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जरूरत है कि जो वकील आप अगर प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट काउंसिल खड़ा करना चाहते हैं तो उसको भी सारे अधिकार मिलने चाहिए कि वो एग्जामिन कर सके, क्रॉस एग्जामिन कर सके विटनेसेस को। जैसा कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बात करें तो वहां पर विक्टिम पार्टिसिपेशन जो है वो हर स्टेज पे होता है, चाहे वो पहले स्टेज पे जब चैलेंज किया जाता है, चाहे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो या फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट्स हो। इसके अलावा रिटर्न सबमिशन भी आप कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। तो इस तरह का भारत में भी होना चाहिए कि जब स्टेटमेंट लिया जा रहा हो तब भी विक्टिम्स की बात सुनी जाए, इसके अलावा जब चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हो तब भी विक्टिम्स को शामिल किया जाए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में शामिल किया जाए। तो इस एक तरह से विक्टिम्स का भी जो न्याय है उसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो इस चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू द सेकेंड एडिटोरियल, एंड दूसरा जो एडिटोरियल है हमारा डेट इज रिलेटेड टू चीता, एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बोला है कि अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आप अफ्रीका से चीता को बुला सकते हैं, ठीक है, मंगा सकते हैं। अब एडिटोरियल में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि 2013 में यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने मना कर दिया था कि कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश के अंदर है वहाँ पर अफ्रीका के चीताओं को ना लाया जाए और फोकस किया जाए कि जो इंडिया में ही थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, चाहे वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, बंगाल फुलरिकन हो, डुगोंग हो, मणिपुर ब्रो, एंटलर डियर हो, इन्हीं के कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। अब एडिटोरियल ने दूसरी चीज़ ये भी सजेस्ट की है कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है कि साइंटिफिक इंक्वायरी की जाए और साइंटिफिक बेसिस पर ही चीतास को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए, और मतलब जो बाकी जानवर हैं उन्हीं को हम जो अभी बचे हुए हैं उन्हीं को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की गई है चीता के बारे में। नाउ कम टू द ऑपेड पेज, एंड ऑपेड पेज पर जो हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल है डेट इज रिलेटेड टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020। एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल बेसिकली अबॉर्शन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ऑथर का आर्ग्यूमेंट है कि जो पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 था उसमें भी वुमेन्स को राइट्स नहीं मिले थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, एंड अभी जो बिल लाया जा रहा है वो भी उतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है या उतना ज़्यादा आगे की तरफ जाने वाला नहीं है जितना उसे होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 1971 का जो एक्ट था उसको समझ लेते हैं। तो वहाँ पर उस 12 हफ्तों तक जो है वो अगर आपको एबॉर्शन करवाना है तो यू कैन डू इट ओनली विद द एडवाइस ऑफ अ सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो एक ही डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी। 12 से 20 हफ्ते की अगर प्रेगनेंसी है तो वहाँ पर दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत पड़ती थी, और 20 हफ्ते के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी है तो उसके लिए आपको कोर्ट ही जाना पड़ता था। अब ये जो अभी लॉ नया आ रहा है उसके अंदर भी यही है। प्रॉब्लम इसी चीज़ की है कि हर स्टेज पर महिला को ये हक नहीं है कि वो डिसाइड कर सके कि वो बच्चा कैरी करना चाहती है, उसको मतलब दुनिया में लाना चाहती है या नहीं, बल्कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर है कि वो डिसाइड करेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम उन्होंने बताई है वो ये है कि अभी भी जो अनमैरिड वुमेन है जिनकी शादी नहीं हुई है अगर वो एबॉर्शन करवाने जाती हैं तो उनके लिए अभी भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि वो आसानी से एंड सुरक्षित एबॉर्शन करा सकें। तो ये एक प्रॉब्लम बताई गई है। तीसरा ऑथर का कहना ये है कि अभी जो है वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स ऐसे हो गए हैं कि 20 हफ्ते बाद भी आपको पता चलता है कि बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट है या फिर लाइफ लॉन्ग उसके अंदर कोई बॉडी डिसफॉर्मिटी है, तो आप नहीं चाहते हो कि आप जीवन भर के लिए बंध जाओ, तो 20 हफ्तों के बाद के लिए अभी भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आपने 20 हफ्ते से 24 हफ्ते जरूर इस एक्ट में किया गया है लेकिन जो अभी भी मेजर प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को ऑथर ने हाईलाइट किया है।
कि हमको इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। एंड ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो इससे पहले भी बिल आए थे कई बार 2016 में, 19 में और 17 में, तो उनकी तरह ये बिल भी जो है वो लैप्स नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम्स कुछ ऑथर ने हाईलाइट की हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल से रिलेटेड। अगर आप लोग जब मेंस देंगे तब तक ये एक्ट नहीं बना तो पूछा जा सकता है कि उससे जुड़ी हुई क्या प्रॉब्लम्स हैं या उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो ये इंप्रूवमेंट आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 12 एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडिया बांग्लादेश रेल लिंक। एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर हैं श्री जितेंद्र सिंह जी, उनका कहना यह है कि इंडिया बांग्लादेश की जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से लिंक करने वाली रेल लिंक है डैट विल बी रेडी बाई द एंड ऑफ 2021। एंड कहाँ से लिंक किया जा रहा है? अगरतला इन त्रिपुरा टू अखौरा इन बांग्लादेश। एंड इट विल बी रेडी बिफोर द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 2022। एंड इसका जो फायदा है, सीधा फायदा किस रीजन को होगा? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को होगा। अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए कोई पॉइंट आपसे पूछा जाता है तो वहां पर ये जो रेल लिंक वाला है बिटवीन अगरतला एंड अखौरा इन बांग्लादेश, आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं कि इसके जरिए भी गवर्नमेंट जो है वो वहां पर डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज यहां से देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू लिथियम आयन बैटरीज। एंड गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर ये बताया है लोकसभा के अंदर कि 2016-18 के बीच में जो लिथियम आयन बैटरीज का इंपोर्ट है वो भारत में 4 गुना ज़्यादा बढ़ा है। अब लिथियम आयन बैटरीज जो है वो कहाँ यूज़ होती हैं? मोबाइल्स में यूज़ होती हैं एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होती हैं, ठीक है। अब इंडिया में जो मेजरली इंपोर्ट किया जाता है वो कहाँ से किया जा रहा है? चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया से इंपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि इसरो जो है वो लिथियम आयन बैटरीज बनाता है बट दैट इज़ फॉर द लिमिटेड पर्पजेज एंड वो स्पेस एप्लीकेशन के लिए ही बनाया जाता है। तो अभी हमारे यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज, अगर आप लोगों को हाईलाइट करना हो तो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। तो एक चैलेंज क्यों है? क्योंकि एक तो लिथियम हमारे यहाँ होता नहीं है, दूसरा उसको इम्पोर्ट करने के कारण कॉस्ट बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उतना ज़्यादा भारत में प्रचलन अभी नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इम्पोर्ट, लिथियम आयन बैटरीज का इम्पोर्ट बढ़ा है एंड दे आर यूज फॉर मोबाइल्स एंड एज वेल एज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर इस एक न्यूज से। नाउ कम टू वर्ल्ड पेज एंड वर्ल्ड पेज पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इसराइल एंड वेस्ट बैंक। एंड इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पॉलिसी के हिसाब से जो वेस्ट बैंक का मैप है वो तैयार कर लिया गया है एंड दे आर रेडी टू एनेक्स इट। अब एक तो प्रीलिम्स में आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि वेस्ट बैंक जो है वो किन के बीच में डिस्प्यूट है, सो इट इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। अब ये वेस्ट बैंक क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वेस्ट बैंक इज अ लैंड लॉक्ड टेरिटरी बिटवीन नियर द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया, बॉर्डर्ड बाई जॉर्डन टू द ईस्ट एंड बाई द ग्रीन लाइन सेपरेटिंग इट एंड इसराइल ऑन द साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ, ठीक है। तो वेस्ट बैंक जो है वो किन के बीच में है? जॉर्डन एंड इसराइल के बीच में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट बैंक बॉर्डर्स जॉर्डन टू द ईस्ट एंड बाय द ग्रीन लाइन सेपरेटिंग इट एंड इसराइल ऑन द साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग वेस्ट बैंक के बारे में। वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन ने ड्यूरिंग 1948 अरब इसराइल वॉर के दौरान उसको कैप्चर कर लिया था एंड 1967 में 6 डे ऑफ वॉर जब हुआ था तब इसराइल ने उसको जॉर्डन से वापस ले लिया था। एंड अभी तक वेस्ट बैंक के ऊपर जो है वो मोर देन 4 लाख इसराइलीज हैव सेटल्ड ओवर देयर। इंटरनेशनल एरिया में अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन सभी ने माना है कि ये जो सेटलमेंट है इसराइल का दैट इज इलीगल एंड दिस शुड नॉट हैव बीन डन, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग बेसिकली वेस्ट बैंक के बारे में, विच इज अ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन, ठीक। नाउ कम टू पेज नंबर 20 एंड पेज नंबर 20 पर जो हमारी न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू अंडर 19 वर्ल्ड कप एंड स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ये न्यूज़ है। वन डे टाइप एग्जाम्स वाले लोग इसको ध्यान रखें कि अंडर 19 वर्ल्ड कप इस बार किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश ने किसको हराया? इंडिया को हराया, ठीक है। एंड यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो यशस्वी जायसवाल थे उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, ठीक है। तो यशस्वी जायसवाल जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं। जीता किसने? बांग्लादेश ने जीता। हराया किसको? इंडिया को हराया। एंड इसके अलावा हो कहाँ रहा था? इट वॉज बींग हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये था आज का न्यूज डिस्कशन। अब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आंसर कर दिए जाए। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर है सी,
ए डी. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ए एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी. तो ये था आज का न्यूज एनालिसिस. अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे एंड यू पीपल वांट कि ये नोट्स आपको मिल जाए तो यू कैन सब्सक्राइब टू द टेम्स पोर्टल. आप टेम्स पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं. वहां पर आपको हिंदू के अलावा इंडियन एक्सप्रेस का डेली एडिटोरियल एंड एक्सप्लेन्ड पोर्शन, पीआईबी योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा. सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड कैन रजिस्टर एट द टेम्स पोर्टल. सो थैंक्स वंस अगेन. हैव अ नाइस डे. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल. हैव अ ग्रेट डे अहेड.